हेलो हाँ सर, जी, नाम बताइए अपना। हमारा नाम आयर अली बिशुनपुर के रहने वाले हैं। थाना पुरंदरपुर जिला महाराजगंज। अच्छा, मतलब आप जो आप काम क्या करते हैं? अब मजदूरी करते हैं ना, खेत है ना, कुछ है, चौकीदारी करते हैं। अच्छा, चौकीदारी आप करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो सरकार से हाँ आपको सर, फायदा नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं सर, आज 3-4 साल हो गया फार्म जमा हुआ है। जिसको पास मकान है उसी मकान मिल रहा है। हमारे पास आई कोई व्यक्ति आता नहीं। जो योगी जी नंबर चालू किए थे 1076, उस पर हम बहुत बार लगाए, लेकिन कोई हल पता नहीं मिला, कोई अधिकारी घर तक नहीं आया सर। वहाँ के जो SDM है, वहाँ के जो प्रधान है, वो क्या चूतिया साले, बताओ, आपको मकान नहीं दे रहे हैं? मतलब जब यहाँ पे योगी मोदी सरकार जब आई थी, हर एक गरीब को आवास मिलने चाहिए, तो आपको क्यों नहीं दे रहे हैं वो लोग? अरे सर, हम कहते हैं तो कहते हैं ठीक है, मिल जाएगा, नंबर से मिलेगा। जिसको पास मकान है सर, उन्हें मिल रहा, हमको कुछ नहीं। कोई अधिकारी घर तक नहीं आता है। बस घर तक कोई आ जाता तब वो हमको तसल्ली हो जाता कि कोई अधिकारी घर तक आए हैं सर, लेकिन कोई नहीं। ना प्रधान सुनता है, ना तो अधिकारी कोई सुनते हैं। और थाने पर लोगों प्रधान थाने पर हम लोगों को यही सूचना दिया जाता है कि आप लोग सही से रहो और किसी से झगड़ा हल्ला नहीं करो। अब क्या हम लोग किसी से तकरार भी करें तब भी हम लोगों को गलती आएगी सर का उसमें। नंबर पास? देखो, मेरी बात सुनो हैदर जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है और डर के मत जियो। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये सब प्रधान हो या कौन हो, ठीक है, ये आपको कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके साथ ये अत्याचार कर रहे हैं, एक ग्राम प्रधान का फर्ज होता है कि जो व्यक्ति गरीब है उसकी मदद करनी चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए। ये लोग पैसा खा खा करके जो अमीर है, करोड़पति, उनको मकान दे रहे हैं, ये कौन सी बात हो गई? प्रधान का नंबर है आपके पास? हाँ सर, है हमारे पास तो अभी हमें प्रधान का नंबर बोल सकते हो? सर, इसी मोबाइल में है। एक काम, 99। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलिए। 99 99 10 10 52 52 54 54 99 99 10 52 54 और 99 99, क्या नाम है इनका, प्रधान का? मोहम्मद अरसद, मोहम्मद, अरसद मोहम्मद अरसद। एक मिनट आप लाइन पर रहिएगा। हेलो, हेलो हेलो हाँ जी, हमारी बात अरशद जी से हो रही है? जी, हो रही है अरशद जी, बिशुनगढ़ क्षेत्र में आप ही प्रधान हैं? जी, बताइए। अच्छा, ये आपके यहाँ पे ये नाम जो हैदर नाम का व्यक्ति है, इसका 3 साल से आप लोग कॉलोनी वगैरह नहीं दिला रहे, क्या कारण है भैया? हैदर अली जी। अब्दुल करीम, मैं तो कारण नहीं बता सकता। मैं तो अभी 6 महीने से प्रधान हुआ हूँ, 6-7 महीने हुए अभी। अच्छा, इसके पहले कौन था प्रधान वहां पे? अच्छा, इसके पहले मसूद्दीन थे। नहीं तो जैसे अभी आप आए हैं 6 महीने में, तो जिन लोगों के नंबर दिए गए थे, जो भी मतलब नाम दिए गए थे, तो इसका कहना है कि यहाँ पे जो लोग के पास घर है उनको मिल रहा है और इनको 3 साल से फैला रहे हैं। अब मैं मुझे ये नहीं पता है, देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको इसलिए दोष नहीं दूंगा क्योंकि अभी आप 6 महीने पहले आए हैं, तो मैं नहीं आपको कहना चाहूंगा, लेकिन इसके पहले जो प्रधान है, तो ये मतलब इनसे अगर थोड़ा सा आप कहने के इनसे समझिए मामला क्या है, क्योंकि अगला आदमी बहुत रो रहा है और परेशान है। तो ठीक है, अभी जैसे लिस्ट में उस हैदर का अभी नाम है लिस्ट में पुराने। मैं आपसे हाँ मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो और फिर कोई भी गरीब व्यक्ति है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गरीब व्यक्ति को जी पहले देखें। बिल्कुल, समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, तो मैं यही चाहता हूं कि आप जो भी इनका मकान है या जो भी है, चुनौती खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद में थोड़े से इनके काम में लग करके इनको एक मुहैया करा दीजिए, ये आप पे अपील करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इन लोगों की पीड़ा दर्द को समझते हैं, तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। ठीक है, मैं बात किया था, लेकिन कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही आएगा, जो पेंडिंग है चुनाव के बाद ही आएगा। ठीक हाँ, तो चुनाव के बाद आए तो थोड़ा हैदर जी पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ठीक, है जी, ठीक है। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, अनु त्रिपाठी। ठीक है।